डंडे पूरे करके वापस चले जाते हैं, क्या आपके जमीन में जरा भी कोई जुम्मश पैदा होती है कि हमने 8 घंटे तो पूरे नहीं किए? ये मुनाफकत है, मुनाफकत तो हमारी जिंदगियों को तबाह किया है झूठ ने और मुनाफकत ने। और यही कुरान कहता है कि तुम्हारी अक्सर परेशानियों का सबब तुम्हारे हाथों से कमाए हुए अमल है, और वो बुरे अमल जो एक इंसान की जिंदगी को मुसीबतों की तरफ धकेल देते हैं वो झूठ और निफाक है। मैं आपसे अपने समय आज अल्लाह से याद करना चाहता हूँ, अल्लाह से वादा करना चाहता हूँ, और अल्लाह से वादा इस बात का कि अल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आज के बाद 2 चेहरे नहीं एक चेहरा रखूंगा, मुनाफकत नहीं करूंगा। ये 2 झूठ कुरान कहता है, 2 ऐब जो छोड़ दे उसकी सारी जिंदगी ठीक हो जाएगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि हम में से कुछ लोग झूठ और मुनाफकत छोड़ दें, उन पर मुश्किलें ज्यादा आ सकती हैं, इसलिए इर्द गिर्द झूठ और मुनाफकत का इतना राज है कि सच और इखलास पनप नहीं सकता। मगर मैं फिर भी कहता हूँ कि हमें सच बोलना है और मुनाफकत नहीं करनी, ये कुरान की बात है। मैं कनेक्टिकट में एक जगह ठहरा हुआ था अमेरिका में, तो एक मेरे साथी टेलीफोन पर पाकिस्तान बात कर रहे थे, और वो भी बात कर रहे थे, मैं सुन भी रहा था, झूठ भी बोल रहे थे कि मुझे कोई एहसास नहीं हो रहा था। थोड़ी देर के बाद उनके बच्चे उठे नाश्ते के लिए स्कूल जाने से पहले, तो वो बिस्तर से उठ के बाहर चले गए, बाहर जाके फोन सुन के अंदर आए। मैंने कहा जनाब क्या बात थी, आप मेरे सामने तो बात करते रहे, बच्चों के सामने आपने बात नहीं, बाहर चले गए। उन्होंने गाली दी कर कहा, उसने कहा लामा साहब अभी पाकिस्तान रहे थे, पाकिस्तान बैठे हुए असी थोक दे साहब नीचे बह के झूठ बोलते हैं, सानू पता ही नहीं चलता। एक दिन मैं गल कर रहा सी पाकिस्तान, तो मैंने कहा कि मैं घर में नहीं हूँ, मैं तो बाहर हूँ। मैं जब फोन मैंने बंद किया तो मेरे पोते ने कहा डैड ग्रैंडफादर दादाजी आप घर में थे और आप फोन पर कह रहे थे कि मैं घर पर नहीं था। कहने के ये आज की पौध है ना अमेरिका की, ये 1 मिनट को पहले सानू फड़ लेंदी है कि तुम झूठ बोल रहे थे, इस वास्ते असी बेख्याली में झूठ बोलते हैं, बिला इरादा झूठ बोलते हैं, इसलिए आप बैठे थे मैंने परवाह नहीं की, क्योंकि आपको भी एहसास नहीं होना था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मगर ये बच्चे देखते हैं हर बात को, सोचते हैं, पकड़ते हैं कि आप झूठ क्यों बोल रहे थे दादा, अब्बा आपने वादा करा क्यों की, आपने कहा था 7 बजे आऊंगा, 7:05 पर क्यों आए आप? मैंने पैरिस से बेल्जियम जाना था तो फ्रेंच जबान मुझे नहीं आती थी, टिकट मेरे पास थी। मैंने एक पाकिस्तानी शलवार कमीज में बंदा गुजरा, मैंने कहा यार मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, यहाँ फ्रेंच है मुझे फ्रेंच नहीं आती, तो ये कौन सा प्लेटफार्म है, टाइम कौन सा? उसने कहा ये टाइम नजर आ रहा है आपको? मैंने कहा हाँ। कह लेंगे ये प्लेटफार्म नंबर 1 तो नजर आ रहा है? मैंने कहा हाँ। कह लेंगे आप इस प्लेटफार्म पर चले जाएं और ये जो टाइम है उस प्लेटफार्म पर खड़े हो जाएं, इस टाइम पर जो भी गाड़ी आए आप बैठ जाएं। अब मेरे दिल में तसव्वुर, मैं डर रहा हूँ। इसने कहा कि इतने बजे 7 बजे जो भी ट्रेन है आप बैठ जाएं। जब वो ट्रेन आई तो मैं कभी पाँव अंदर रखूँ, कभी बाहर रखूँ, कभी अंदर रखूँ, कभी बाहर, क्योंकि किसी ने कहा था लतीफा मशहूर है किसी तेज नाम 4 बजे पहुंची, 4 बजे टाइम था, 4 बजे पहुंच गई। उसने कहा कि कमाल हो गया कि 4 बजे तेजगाम आज मकसद पहुंच गई। उसने कहा जी इसने कल 4 बजे आना था तो आज 4 बजे पहुंची। तो मैंने कहा कि मैं डरता था कि मैं पांव अंदर रखता बाहर रखता, मैं किसी से वहां आपस में उनकी लड़ाई भी पड़ी है ना फ्रेंच और अमेरिका बरतानिया की, किसी ने पूछा भी आपको इंग्लिश आती है, मैं नफरत से कहता नहीं मुझे इंग्लिश नहीं आती, बहुत सारे लोग ने वहां इंग्लिश बोलते भी नहीं बोलते। खैर मैं उस ट्रेन पर बैठ गया, अब वो ट्रेन जा रही थी, उसने कहा कि इतने बजे जहां भी ये पहुंचे आप उधर जाएं। जब वो कितने बजे 10 बजे 10:15 बजे बेल्जियम पहुंची, अब वो रुकी वहां पर, मैं उतरने लगा फिर मैं चढ़ूं फिर उतरू, आखिर में उतर ही गया। थोड़ी देर के बाद साथी आए तो मुझे ले गए, मेरा झिझक उतर गया। मैं यहाँ की ट्रेनों से डरा हुआ था, मैंने कहा ये ना हो कि 7 बजे मैंने जिस ट्रेन पर आना हो वो आएगा दूसरी आ जाए, मैं चढ़ जाऊँ, जाना मैं कराची को पहुंचा पिंडी बैठा हूँ, मैं इस शख्स में। लेकिन मैंने वहां देखा कि लोग ट्रेनों के टाइम पर
आमद और रफ्त पर अपनी घड़ियों को दुरुस्त करते हैं। ये सबक किसने दिया? इस्लाम ने दिया है। इन सलात काना दरल मुमिनीन किताबन मौकूता, तुम्हारी नमाजें भी वक्त पर है, रोजा भी वक्त पर है, हज भी वक्त पर है। अगर हम बाप के बाबा ने नहीं, अल्लाह अकबर। आइए आज के इस इज्तिमा में, इस रूहानी इज्तिमा में, इस इश्को मोहब्बत वाले इज्तिमा में हम ये अल्लाह से वादा करें, अल्लाह हम तेरे प्यारे हबीब की सीरत तैयबा को इख्तियार करेंगे, हजूर की अदाओं को इख्तियार करेंगे, अदल करेंगे, इंसाफ करेंगे, सच बोलेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे, मिलावट नहीं करेंगे, मुनाफ़ा छोड़ देंगे। आइए मैं तकरीर खत्म करने से पहले इंशाल्लाह अगली दुआ 13 अगस्त को होगी। कितनी अगस्त को? और हल्के दुरूद शरीफ का आगाज 10 अगस्त को इंशाल्लाह ताला। आप खुद भी आइए, अपने साथ 12 दुखी इंसानों को साथ लेकर आए, फिर देखें अल्लाह ताला आपकी दुआएं कितनी जल्दी सुनता है। आइए और जाते हुए हदिया शिफा जो हमारे बुजुर्गों की तरफ से हुक्म है वो जरूर डालते जाइए। अब हम जिक्र करते हैं, जिक्र करते हुए आप अपनी आंखों को बंद कर लें और बैतुल्लाह शरीफ का तसव्वुर कर लें, गुंबद खजरा का तसव्वुर कर लें। अपने गुनाहों को याद करते हुए हम जिक्र करें और जिक्र इस अंदाज से करें कि जिक्र करते करते हम अल्लाह के घर में अपने आप को महसूस करें, और फिर हम जब दुआ के लिए हाथ उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हम सब की दुआओं को दुआ खत्म होने से पहले कबूल करेगा। इसलिए कि सैकड़ों लोगों को अल्लाह ने यहाँ से शिफा दी, सैकड़ों लोगों को औलाद दी, सैकड़ों लोगों को अल्लाह ताला ने रिज़्क दिया और सैकड़ों लोगों की मुरादें पूरी हुई। रब के लिए कुछ मुश्किल नहीं, मगर ज़रूरी है कि हमें मांगने का ठंड आता हो। इस हाल में जितने लोग बैठे हैं, जितने ऊपर बैठे हैं, जितने दाएं बाएं मुझे नजर आ रहे हैं, सारे मेरे साथ मिलकर जिक्र करें ला इलाहा इल्लल्लाह।